रायपुर पुलिस ने अंधविश्वास का डर और रकम दोगुना करने वाले दो ठग को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों पुरानी बस्ती निवासी पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। आशुतोष नामक 86 और आरती पटेल ने रकम दोगुना करने के नाम पर कीमती गहने लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए कई टीम गठित कर जांच की, जिसके बाद पुलिस आरोपी ठग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस दोनों आरोपी ठग से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। फरवरी 2022 में महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन हेतु गए थे, वहीं पे उनकी मुलाकात एक महिला एक पुरुष इन दो आरोपियों से हुई, जिन्होंने अपने आप को पूजा पाठ करने वाला संत बताया और उससे वहां पे इन लोग प्रार्थी के संपर्क में आए। बाद में उन लोग पुरानी बस्ती क्षेत्र में इसके प्रार्थी के घर आकर के भी इन्होंने कुछ पूजा पाठ किया। इन्होंने कुछ बताया कि आपके यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, इस तरीके की पूजा पाठ से आपके यहाँ पे बरकत आएगी, आपका स्थिति जो है और बेहतर हो जाएगी। ऐसा कर करके इन्होंने धीरे धीरे करके इनके प्रार्थी के और प्रार्थी के रिश्तेदारों के जो सोने चांदी के जेवरात और कैश मिला करके 75 लाख रुपए की ठगी इन्होंने कुछ दिनों में की और उसके बाद ही अचानक से गायब हो गए।